अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज कुछ आपसे बातें शेयर करूंगा मैं, और बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि तकरीबन एक साल पहले हमारी जो दोस्त थे, जो हमारे पुराने दोस्त, जो हमारे 6 to 10 तक हम लोग साथ पढ़े, और 22 साल बाद हमारी मुलाकात हुई सोशल मीडिया के थ्रू। तो थैंक्स सोशल मीडिया। और इसी तरह एक दूसरे कॉन्टेक्ट होते होते तो 30-35 लड़के हम लोग आपस में कॉन्टेक्ट में हुए, और पता चला कुछ लोग कराची में हैं, कुछ हैदराबाद में, कुछ आउट ऑफ कंट्री चले गए। तो इस तरह से, लेकिन जो यहाँ थे और कुछ हैदराबाद में, उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम मिले उनसे जाके। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो दोस्तों के साथ बैठता जिनकी गैदरिंग है, तो 22 साल बाद हम लोग मिले तो कैसा लगा। वो पुरानी बातें, 9 मैट्रिक की बातें, 6 क्लास की बातें, SSR के बारे में बातें, बड़ा मज़ा आया ना। मतलब हमारा टाइम कैसे पास हो गया, पूरी रात पता नहीं चला। तो अब तकरीबन 1.5 साल हो चुका है इस गैदरिंग को हमारी, और हम लोग जाते रहते हैं हर महीने 1.5 महीने में, और सैटरडे नाइट जाते हैं, पूरी रात हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, और सुबह हम लोग वापस आते हैं। तो ये तो बड़ा मज़ा चल ही रहा था कि आज मैंने अपना एक चैनल यूट्यूब पे, तो मेरा चैनल है, मैंने फेसबुक पे अपना चैनल बनाया, और फेसबुक चैनल बनाया तो कुछ टाइम बाद मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, मुझे कांटेक्ट करेगा, सब पहचान में यार कौन हो सकता है। आप यकीन करेंगे, प्राइमरी स्कूल का दोस्त, यानी कि जब मैं खुद 9 या 10 साल का होऊंगा, यानी कि 5वीं क्लास में एडमिशन लिया, तो 9 या 10 साल की उम्र में हमने 5वीं क्लास पास की होगी, 5वीं क्लास का दोस्त, यानी कि 4थी 5वीं पहले से लेकर 5वीं तक साथ पढ़ा। तो इस गैप को तकरीबन 30 साल हो गए, 30 साल पुराना दोस्त। उसने मुझे फेसबुक पे मेरी वीडियो देखी, उसने मुझे चेक किया, तो उसने कॉल करी मुझे, मैं पहचान कोशिश करता रहा लेकिन मैंने पहचान लिया। तो अभी मैं मिला नहीं हूँ उससे, बड़ा एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए कि हम 30 साल बाद कैसे चेंज हो गए होंगे। तो फिर मैंने उससे नंबर लिया, फेसबुक व्हाट्सअप बनाया मैंने, और मैंने कहा तुम्हारे कॉन्टेक्ट में जो बंदे हैं उनसे लो, तो एटलीस्ट 3-4 बंदे तो आ चुके हैं प्राइमरी, 30 साल पुराने दोस्त, बहुत चेंज होगा, 30 साल में कितनी चेंजिंग होगी। तो बड़ा एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। तो इतने वक्त से वो भी हैदराबाद में ही है, एक दो दोस्त हैं कराची, बाकी हैदराबाद में। तो लेट्स सी, जब जाऊँगा इंशाल्लाह, मिलूँगा उनसे, तो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा आपसे, तो बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। बहुत इसलिए खुश हूँ कि यार 30 साल बाद पुराने जो दोस्त, अब 5वीं क्लास की बात है, उसने मुझे याद किया, उसने मुझे देख के पहचान किया, तो बड़ी बात है। थैंक्स आसिम भाई, आपने मुझे पहचाना, और इंशाल्लाह आसिम भाई, आमिर भाई, आप सबसे आपसे मुलाकात करेंगे। तो देखते हैं, जब ये थोड़ा टाइम मिल जाए, तो जब हैदराबाद जाएंगे अपनी गैदरिंग से मिलेंगे, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।